हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का HD फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इसको मैं मेरे फेस पे इवनली स्प्रेड कर दूंगी पहले, एंड फिर मैं इसको ब्लेंड करूंगी। मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा कवरेज प्रोवाइड कर रहा है फेस पे, उसके साथ साथ एक ड्यूवी फिनिश भी दे रहा है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग इनसाइड का HD कंसीलर। मैं ये दो शेड यूज़ कर रही हूँ, एक डार्कर शेड है मेरे स्किन टोन से और एक लाइटर शेड है। मैं इसे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। शेड नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। मैंने जिस ब्रश को यूज़ करके फाउंडेशन को ब्लेंड किया था उसी को यूज़ कर रही हूँ मेरे बाकी के फेस के फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। एंड अंडर आई के फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैंने कंसीलर ब्रश को यूज़ किया है। और कंसीलर को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में, आप लोग देख सकते हो, ऐसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इससे एक फेस को लिफ्टेड इफेक्ट मिलता है जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। ये क्रीम ब्लश है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। एंड ये जो कलर है रस्टी ऑरेंज काइंड ऑफ कलर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंगली ब्लेंड हुआ है। और ये ग्लो देख सकते हो आप लोग, ब्लेंड करने के बाद जो ग्लो प्रोवाइड किया है इसने। मैं कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लूज पाउडर से सेट कर रही हूँ अपने अंडर आई को। ये इनसाइड का लूज पाउडर है, शेड है बनाना। एंड जहाँ जहाँ पे क्रीज होता है वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है पाउडर को। नेक्स्ट मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का ग्लो हाईलाइटर। और ये ग्लो आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ग्लो प्रोवाइड कर रहा है। इसमें कुछ भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। अभी मैं एक बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लशर को ही अप्लाई किया है आउटर कॉर्नर पे। थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी लाइटली। आउटर वी को थोड़ा सा और इंटेंसीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे डार्कर शेड को यूज़ किया है हाईलाइटर पैलेट से। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है मेटलिक ग्लिटर आई शेडो कट क्रीज क्रिएट करने के लिए। ग्लो को इंटेंसिफाई करने के लिए यूज़ किया है मल्टी यूज़ लूज आई शेडो। इनर कॉर्नर पे भी यूज़ किया है इसको और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। आप लोग देख सकते हो ये कितना ज़्यादा पॉपिंग लग रहा है देखने में। फिर मैंने कंसीलर से थोड़ा सा क्लीन किया है एक शार्प लुक लाने के लिए। देन मैंने एज लिपस्टिक यूज़ किया है इसी ब्लशर को। ये ब्लशर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है लिप्स पे देखने में। ये लिप्स पे थोड़ा सा न्यूड ब्राउन काइंड ऑफ कलर लाया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड जस्ट लुक एट द ग्लो, मुझे लिप ग्लॉस अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज, दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक। आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाई।